फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से वापस आ जाते हैं तब तक उनकी लंबाई 2 इंच बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी लचीली हड्डियाँ ग्रेविटी की गैरहाजिरी में फैलने लगती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है जब हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो लगभग 10% वाटर उड़ जाता है, इसीलिए हमारे फ्रिज में ट्रे पर पानी जमा हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, कार, ट्रक और बाइक में तो हॉर्न होते ही है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एरोप्लेन में भी हॉर्न होते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना है, एरोप्लेन में भी हॉर्न होते हैं। एरोप्लेन के हॉर्न का उपयोग भी लोगों को सतर्क करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कार और बाइक में लगे हॉर्न के जैसा नहीं किया जाता। कहने का मतलब यह है कि पायलट एरोप्लेन के हॉर्न को उड़ते हुए नहीं बजा सकता, हॉर्न का इस्तेमाल सिर्फ जमीन पर ही किया जा सकता है। हवाई जहाज में दिए गए हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ से संपर्क साधने और उन्हें किसी खतरों से सावधान करने के लिए किया जाता है। यदि उड़ान से पहले हवाई जहाज में कोई खराबी आ जाए या आपातकाल की स्थिति हो तो जहाज के अंदर बैठे पायलट या इंजीनियर इस हॉर्न को बजाकर ग्राउंड इंजीनियर को सतर्क करते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने टाइटैनिक बोट की डूबने की बात सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस जहाज का मलबा आज तक क्यों नहीं निकाला गया? तो यह उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआई समुद्र के अंदर पड़ा रहा था। पहली बार 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा। यह जहाज जहाँ पर डूबा था वह बहुत अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल का काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकाल कर लाना लगभग नामुमकिन है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने आने वाले 20-30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि टायर का कलर हमेशा ब्लैक ही क्यों होता है? टायर का इतिहास काफ़ी पुराना है। जब रबर की खोज हुई और फिर जब उससे टायर बनाने जाने लगे तो वे बहुत जल्दी घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पाया गया कि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रबर का प्राकृतिक रंग काला नहीं होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्यों मिलाया जाता है कार्बन? तो कच्चा रबर हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन टायर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि रबर जल्दी ना घिसे। मजबूती के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन का रंग काला होता है, इसीलिए टायर भी काले ही होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सादा रबर का टायर करीब 8000 किलोमीटर चल सकता है, वही कार्बन युक्त रबर का टायर 1,00,000 किलोमीटर तक चल सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन करना।